हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम अपना करियर मोड कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले मैच में पिछले वीडियो में देखा कि हमने अपना जो फर्स्ट करियर का मैच खेला वो हम जीत गए। जो हमारा पहला मैच था वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ था और वो फर्स्ट क्लास मैच था। और आज जो हमारा मैच है हरियाणा के साथ है और ये वन डे है। तो हम फटाफट से सारे जो तो फटाफट से हम गेम प्ले की तरफ चलते हैं। और आज हमारा पहला वन डे है। सो हम देखते हैं कि हम अपने करियर में जो वनडे मैचेस हैं उसमें कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। ये हम दोनों टीम्स के लाइनअप हैं। पिच जो है वो ड्राई लग रही है मुझे। स्टैंडर्ड पिच है बेसिकली। टेम्परेचर मॉडरेट है। रेन के चांसेस हैं 18%, जो कि क्वाइट पॉसिबल है कि बारिश नहीं होगी और मैच हैपन नहीं होगा। हम टॉस की तरफ चलते हैं। दिल्ली कैप्टन ने कॉल किया है। हरियाणा टॉस जीत गया है और हर बार की तरह हम टॉस हार गए हैं। देखते हैं हरियाणा टॉस जीत कर क्या चूज़ करता है। और हरियाणा ने पहले बैटिंग चूज़ करी है, तो इस मैच में भी हम चेज ही कर रहे हैं एक तरह से। हम लोग ये ग्राफिक्स को स्किप करते हैं और देखते हैं कि हमें इस इनिंग में कब ओवर मिलता है।
हमारा नेक्स्ट मैच जो है वो T20 मैच है जो कि सर्विसेज के साथ है। ये हमारे टीम का ओवरऑल है, काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सर्विसेज। बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग और फील्डिंग है सर्विसेज की। सो हर यू नो उसमें सर्विसेज हमसे बेटर है रिगार्ड्स में। तो देखते हैं कि हम इस मैच में कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। ओवरकास्ट वेदर, शाम का मैच, ये दोनों टीम्स का लाइनअप है। ग्राफिक्स और ये सारे जो इंट्रो मैंने स्किप कर दिया, हम सीधा टॉस पे आ गए। सर्विसेज ने कॉल किया है, दिल्ली के कैप्टन जो है वो कॉइन उछालेंगे एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। और फाइनली हम लोग टॉस जीते हैं। आई एम होपिंग कि बैटिंग हम पहले करेंगे। बहुत अच्छा लगा जान के। इससे के साथ हम अपने T20 करियर में पहले मैच में, डेब्यू मैच में हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं। और मैं सही में चाहता हूँ कि इस मैच में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। पहले दो मैचेस में हमारा बहुत एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। सीधा हम मैच पे आते हुए, एक ओवर में हमने 6 रन ऑलरेडी बना लिए हैं। गैप में है, इजी बाउंड्री मिलेगी हमें यहाँ पे। जल्दी खेला था इसलिए स्क्वायर लेग के आगे बॉल गई है, हवा में थी, रिस्क था, बट क्योंकि हम पहले ही पोजीशन में आ गए थे तो बाउंड्री मिलते हुए यहाँ पे स्लॉट में दिया था ये बॉल। कुछ नहीं है इस बॉल में, बहुत टाइम था मेरे पास। गलत शॉट, गलत शॉट, अननेसेसरी शॉट था ये। इजी रन मिलेगा। मिस किया, अच्छी बॉल थी, थोड़ी फास्ट थी, टाइमिंग हमारी ज़रा सी लेट थी। एक अच्छी चीज़ हुई है क्योंकि उसने शॉर्ट पिच डाली है तो उसके बाद अब ऑब्वियसली वो गलत बॉल डालेगा ही डालेगा, जो कि मुझे पता था। बहुत अच्छी टाइमिंग, इजी पिकिंग्स, बाउंड्री मिलते हुए यहाँ पे। क्योंकि इस पिच में बाउंस नहीं है, शॉर्ट पिच डिलीवरी भी जो है वो गुड लेंथ की हाइट पे आ रही है, चेस्ट से नीचे है बॉल बेसिकली। सो अगर वो रिब्स पे बॉल डालेगा और आउटसाइड ऑफ डालेगा तो बहुत इजी है इसको स्कोर करना, इजी बाउंड्री। सीधा फील्डर के हाथ में, कोई चांस नहीं लेंगे यहाँ पे। मैंने सोचा सही था बट मैं क्योंकि कंफ्यूज था, मैंने इसलिए उस शॉट पे थोड़ा सा लूज खेला था। बॉल को बाहर थी, मुझे पता था कि एज नहीं लगेगा, काफ़ी दूर से बॉल जा रही है।
बट मेरा शॉट चॉइस अच्छा था, टाइमिंग अच्छी नहीं थी, नहीं तो ये बहुत इजीली हमें गैप में से बाउंड्री मिल सकती थी। गैप में एटलीस्ट दो मिलेंगे, बाउंड्री मिली है यहाँ पे, टाइमिंग डिसेंट थी, कुछ ज़्यादा खास टाइमिंग नहीं थी, सिर्फ गैप में पंच किया है बॉल को, अननेसेसरी शॉट खेलने की कोशिश नहीं है, गैप ढूंढा और एक बारी बॉल मिडिल और गुड टाइमिंग के आसपास अगर आ जाती है तो इजीली यहाँ पे बाउंड्री मिलते हुए। फिर से गैप में इजी पिकिंग, इस बार मुझे लगता नहीं बाउंड्री मिलेगी क्योंकि टाइमिंग अच्छी नहीं थी, अच्छी फील्डिंग, तीसरा रन भी ले रहे हैं यहाँ पे, रिस्क है बट बहुत अच्छी रनिंग, इजी 3 रन मिले यहाँ पे। मिडल किया है, बहुत ऊंची शॉट और ये एक बाउंस और 4 रन के लिए। अगर आपने आवाज़ सुनी है तो बहुत स्वीट साउंड किया था बॉल जब बैट से हिट हुई है, सो मिडल से बॉल लगी है इसलिए इजीली हमें यहाँ पे बाउंड्री मिल गई, एक बाउंस और 4 रन। कैप्टन अपने बॉलर को समझाते हुए कि अपनी लाइन को चेक करें, इस बार फिर से हवा में मारी है, बहुत इजीली यहां पे भी बाउंड्री मिलेगी। मिडल किया, थोड़ा सा और मैंने स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को मारा है बट क्योंकि पावर थी शॉट में, ओकेश टाइमिंग थी बट स्टिल क्योंकि एग्रेसिव शॉट था, ये पावर शॉट था रादर, बॉल इजिली बाउंड्री पे पहुंचते हुए। अब मुझे बड़ा सा गैप दिख रहा है स्ट्रेट, अगर मैं देखूं एग्जैक्टली, बहुत अच्छा शॉट, आइडियल टाइमिंग, क्या हमें यहाँ पे 6 मिला है? यस, हमारे करियर का पहला 6 हम लोगों ने मारा है। स्लॉट में दे रहा है बैट्समैन बॉल, लेग साइड को एम कर रहा है, बहुत बड़ा फॉलो थ्रू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैट का फेस दिखाया और टाइम किया है बॉल को 6 रन के लिए। अच्छा शॉट, इजी सिंगल, गैप में बॉल, स्क्वायर ड्राइव किया है, इजी 2 रन क्योंकि बॉल बहुत स्पिनर है, तो बॉल टाइम करने के बावजूद भी ऑब्वियसली बाउंड्री तक नहीं जाएगी, यहाँ पे हमें पावर हिटिंग करनी पड़ेगी अगर हम बॉल को बाउंड्री तक पहुँचाना चाहते हैं। तो गैप में एक ही रन मिलेगा, और ये खड़ा कर दिया है, यहाँ पे आउट हो सकते हैं हम लोग, और ये हमारा विकेट जाता हुआ। सॉलिड स्टार्ट दिया हमने अपनी टीम को, 18 बॉलों पे 34 रन बनाए हैं, अच्छी शुरुआत है बट मैं इसको पूरा आगे नहीं ले जा पाया,
अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे स्कोर करने की, क्योंकि इसके बाद से पावर प्ले ख़त्म हो जाता, तो मैं चाह रहा था कि लास्ट डिलीवरी पे मैं इसको बाउंड्री एटलीस्ट स्कोर कर पाऊँ, बट बॉल ने हाइट ज़्यादा ली रादर देन डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा विकेट जाता हुआ। अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट, 5 बाउंड्रीज, 1 सिक्स मारा हमने अपने 34 रन में, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत थी। अब देखते हैं कि हमारी टीम एक्चुअली कितना बड़ा स्कोर बिल्ड कर पाती है इसके बाद, इतने सॉलिड स्टार्ट के बाद। वही हुआ, क्योंकि हमें सॉलिड स्टार्ट मिला तो एक्चुअली हमने बहुत बड़ा स्कोर किया है, और सर्विसेज की भी अच्छी स्टार्ट है। उन्होंने बिना विकेट खोए 62 रन्स बना लिए, जिसका मतलब है कि दोनों बैट्समैन सेटल हो चुके हैं। अब ये हमारे ऊपर आ जाता है कि हम विकेट कैसे निकालते हैं और कितनी विकेट्स निकाल पाते हैं अपने स्पेल में। गैप में है, सिंगल मिलेगा, दूसरा बहुत अच्छी रनिंग है यहाँ पे। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि वो बैट्समैन थोड़ा रिस्क लेके खेले बाउंड्री पे, कोई एटलीस्ट ऑफ साइड पे, बाउंड्री पे ऐसे नहीं रखूँगा किसी को, इतना फैला हुआ फील्ड उसका कोई फायदा नहीं है। खेलें गैप पे मारें और देखते हैं। ये कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ये रिस्क लें। स्टॉक बॉल डाल रहा हूं और आउटसाइड एज, अपॉर्चुनिटी थी यहां पे बट लकी था बैट्समैन। बहुत अच्छी डिलीवरी थी, ये बीट किया था बैट्समैन को लाइन और लेंथ से। और विकेट मिलता हुआ दूसरे मैच में भी सिमिलर विकेट, स्लो डिलीवरी आउटसाइड ऑफ, आउट स्विंगर थी, बैट्समैन को फोर्स किया शॉट खेलने के लिए, बाहर जाके उसने ड्राइव करा एग्रेसिव और इनसाइड एज लग के विकेट्स में फाइनली हमें हमारा फर्स्ट विकेट मिलता हुआ, और ब्रेक थ्रू मिला यहाँ पे सर्विसेज की। हमने जो बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी वो तोड़ दी है। एग्जैक्ट सिमिलर हम लोगों को विकेट मिला है जो हमें फर्स्ट इनिंग में मिला था, फोर्स किया था यहाँ पे बैट्समैन को स्लो डिलीवरी पे बाहर से खेलने को। इजी नहीं होता टाइम करना बॉल को, बैट्समैन एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा होता है और बॉल कुछ और आती है सीधा फील्डर के पास, तो बहुत अच्छा स्टार्ट। हमारा पहला ओवर ही काफ़ी अच्छा निकला, हमने 6 रन दिए बट एक विकेट भी निकाल लिया, और पहला विकेट और ओनली विकेट अभी तक जो सर्विसेज का हमने लिया है। ओ इनसाइड एज, ओ बैट्समैन को थोड़ा सा हमने कंफ्यूज किया यहां पे अपील करके। अच्छी डिलीवरी, हवा में बॉल, प्रिडिक्टेबल था शॉट, ये बॉल प्रिडिक्टेबल था, सेट बैट्समैन को मुश्किल नहीं होती है। एक स्लो डिलीवरी को उसने मिस किया बट जरूरी नहीं कि वो सिमिलर स्लो डिलीवरी को फिर से मिस करेगा।
ओ नो बॉल दे दिया हमने, यहाँ पे फ्री हिट मिलेगा बैट्समैन को, गलत गलत हमने ये चीज़ करी है। बहुत रिस्क है ये, और ऑब्वियसली क्योंकि ये रिस्क है तो मैं इसमें ऐसी कोई डिलीवरी नहीं डालूंगा जहाँ पे मुझे भुगतना पड़े और ज़्यादा। बहुत अच्छी बॉल, सिर्फ एक ही रन मिलेगा, टाइट डिलीवरी। गलती को हमने एक्चुअली सुधार लिया, मैं ये कहूँगा यहाँ पे बाउंड्री ना देके, अगर हम ये बाउंड्री देते तो बहुत लूज हो जाता प्रेशर हमारे ऊपर से, बैटिंग टीम के ऊपर से, सर्विसेज के ऊपर से, जो कि हमारी टीम के लिए एक्चुअली गलत होता। अच्छी डिलीवरी, सिंगल मिलेगा बस। सिंगल्स देने में कोई बुराई नहीं है, बाउंड्रीज यहाँ पे बहुत मायने रखती हैं। आउटसाइड एज, लेकिन बाउंड्री मिलते हुए यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा लगा जान के। 4 रन तो भाग लेंगे वो, पर शायद बाउंड्री हो गई है। नहीं, बाउंड्री मिलते हुए इस लास्ट डिलीवरी पे भी। डॉट बॉल्स, जितनी डॉट बॉल्स लगेंगी उतना प्रेशर बिल्ड होगा। दोनों बैट्समैन ये भी सेटल हो चुके हैं, तो और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, गलत एंड पे थ्रो फेंका। मैं ये कहूँगा कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस करी है यहाँ पे। आउटसाइड एज, और ये एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। रिस्क है, रिस्क है, और अच्छा थ्रो। बहुत बहुत ही अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन दिए हैं इस ओवर में, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे हम। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, शायद हमें आखिरी में ओवर मिलेगा और ये मैच ऑलरेडी खत्म हो गया है। यहाँ पे सर्विसेज ने 17वें ओवर में मैच खत्म कर दिया। ओपनर ने एक्चुअली बहुत अच्छा स्कोर किया, इनफैक्ट उस एक विकेट के अलावा कोई विकेट ही नहीं गया, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे से सेटल हो गए, उन्होंने अच्छे से तोड़ा है यहाँ पे दिल्ली की टीम को, हमारी टीम को आई वुड से। सो अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।